नमस्कार, एनवाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी सचिन शर्मा के साथ। आप देख सकते हैं व्यवस्था, मतदाताओं की कमी। जहां दोपहर के पूरे 12 नहीं बजे हैं अभी, और बूथ की हाल देख सकते हैं आप। बूथ नंबर 3 जहां मतदाताओं का इंतजार हो रहा है मतदान करने के लिए। बूथ नंबर 2 जहां मात्र 4 से 5 मतदाता मौजूद हैं, और यहां पर सभी एजेंट्स देखिए बैठे हैं, कुछ मतदाता इधर उधर खड़े हुए हैं। कैसे बैठनी है आप, क्या कारण है आपकी बैठने का? वोट डालने के लिए। तो अपनी लाइन में क्यों नहीं जा रही वोट डालने के लिए? अरे ये लंच हो रही है यार। जी लंच हुआ। चलिए, जहां वोटरों ने बताया कि अभी चल रहा है लंच, वही जानते हैं यहां पर मौजूद है एजेंट। किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है बॉस? भोजन पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सब मिल रहा है। जहाँ मतदाताओं की कमी है बूथ नंबर 3 पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? मतदाता आ रहे हैं, कुछ धूप की वजह से हैं तो आ रहे हैं मतदाता। जहाँ चिलचिलाती धूप आप देख सकते हैं, धूप है, वहीं एक एजेंट मौजूद है। सचिन जी, क्या कहेंगे आज के लिए? बहुत अच्छा मतदान हो रहा है जी, सब लोग स्वच्छ हैं जी, मिला है बहुत। सचिन जी, जिस तरीके से कुछ समस्याएं बूथों पर मिल रही हैं कि किसी के वोटर लिस्ट में नाम राधा की है, राका हो गया है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था कुछ नहीं है, उनका वोट नहीं पड़ रहा। वोट नहीं पड़ रहा है? सभी एजेंट्स ने मिलकर के जो है उनसे पीठासीन से कहा, उसके बावजूद क्या जवाब दिया? मना कर, वोट वोट ऐसे नहीं पड़ेगी यार, सब लोग मिलके उनसे गए या कुछ का नाम या मैच कर रहा हो जी, तो सही है, नहीं तो ऐसे कुछ के व्यवस्था। जहाँ लेंस का टाइम आप देख सकते हैं, मतदाताओं की कमी, जहाँ खत्म हो चुकी है, मतदान 70% से ऊपर हो चुका है। पोलिंग बूथ में कुछ मतदाता मौजूद हैं, 70% काम है अभी, और कुछ मतदाता अभी आए हैं। सर, भोजन की क्या व्यवस्था आप लोगों की? खाने से क्या क्या आया भोजन में? सब्जी जी, चावल। पोलिंग पार्टी के लिए क्या मिला खाने में? जी जानते सर, जिस तरीके से पोलिंग पार्टी के लिए खाने की क्या व्यवस्था था? सर, खाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है यहाँ पे, ना कोई चाय मिली यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिला सर। अपना कार कर रहे हैं, मैं सिर्फ अपने कार से कुछ खाने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा दिनेश कुमार, प्रथम मतदान अधिकारी, कक्ष संख्या 4, पार्क संख्या 10। देखिए, जहाँ दिनेश कुमार जी का कहना है कि प्रथम मतदान अधिकारी है, कि सुबह से किसी ने चाय की खबर नहीं ली है और अपने कार्य को कर रहे हैं पूरी तरह से, और इन्हीं के साथ जो कर्मचारियों से जानते हैं। मैम, क्या मिला आपको? सर, कुछ नहीं मिला है इस ब्लॉक में, और ये मेरी फर्स्ट ड्यूटी है जहाँ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जी। और सुबह से लेके मतलब अभी तक इतना टाइम हो गया, या ना नाश्ते के बारे में कुछ पूछा गया, इवन चाय तक के बारे में नहीं पूछा गया। मैम, जिस तरीके से प्रशासन ने अपने पुलिस कर्मियों के लिए व्यवस्था कराई है भोजन की, तो आपके लिए प्रशासन ने कुछ नहीं पूछा? नहीं, यहाँ पे भी कोई भोजन हमारे लिए नहीं है। क्या नाम है आपका? मनीषा रानी, पीटू अधिकारी। चलिए, धन्यवाद। देखिए, यह है सरकारी मशीनरी का हाल। जहाँ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं सुबह से लगे हुए, उनके पेट के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। ये है इगलास नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के और 8 के ब्लॉक परिसर का हाल। उनकी व्यवस्था नहीं हुई है, क्या कहेंगे इसके लिए? भोजन की व्यवस्था पूरे पर्सनल के लिए कराएंगे जी, और मैं अभी SDM को आदेश करता हूँ। जिस तरीके से सर उन्होंने कहा है कि अभी तक चाय तक की नहीं पूछी है किसी ने, और लोग पोलिंग पार्टी के जो मैम है वो भी परेशान है, फर्स्ट अधिकारी परेशान है, तो कोई व्यवस्था नहीं हुई हुई उनके लिए, जबकि 12 बजने को। सर, अभी मैं SDM को इंस्ट्रक्ट करूँगा जी, वो ये सारे खान पीन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ओके सर।